सो दिस इज़ माई वेलकम बैक टू माई चैनल फ्यूरी गेम्स। और पहली बार मेरे को पता है आप लोग चैनल पे आए होंगे, सो जो पहली बार व्यूअर्स हैं उनके लिए उनको वेलकम, और जो पहले से हैं ऑलरेडी उनको भी वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19। इससे पहले भी मैं बहुत बार खेल चुका हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 19। सो 800 आवर्स का मेरा गेम प्ले ऑलरेडी, मतलब गेम प्ले नहीं, मैं इसमें खेल चुका हूँ उसको, बट रिकॉर्डिंग मैंने चालू करी है इस बार से। सो जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि फार्मिंग सिमुलेटर क्या चीज़ है, तो फार्मिंग सिमुलेटर एक ऐसा गेम है जो जिसमें आपको जो रियल लाइफ में आप जो फार्मर्स काम करते हैं, लाइक ट्रैक्टर यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे एडवांस इक्विपमेंट हैं वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। सो मेरा यही पर्पज़ है इस गेम को दिखाने का कि कितने सारे एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश में थोड़ा लैग करते हैं, बट स्टिल एट मैनी प्लेसेस लाइक इन पंजाब एंड ऑल, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड मतलब हैं इक्विपमेंट्स जो कि यूजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरह कुछ इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। मेरा ये वर्जन है 1.7.1.0, जिसको अगर जानना है कि मैं कौन से वर्जन पे खेल रहा हूँ, और ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। सो कैरियर में आप कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लेयर में आप कई लोग दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, और अगर ट्यूटोरियल्स में जाएंगे तो आप जो नया बंदा है वो यहाँ जाके ट्यूटोरियल्स में जाके सीख सकता है कि क्या चीज़ क्या कैसे करनी होती है। मॉड्स में आपको मॉड्स मिल जाएंगे कि जो आप जो नए नए जो क्रिएटर्स होते हैं वो इसमें आपके सामने मतलब नई नई चीज़ें लेके आते हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अलावा ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएगी, एंड बिसाइड दैट क्रेडिट्स हैं, कौन किसने कैसे डेवलप किया है ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को नहीं पता है तो मैं अपने मॉड्स पहले दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या मॉड्स डाले हुए। सो प्लेसेबल रिफिल टैंक्स, ये मैं आपको बता दूँगा, लाइम स्टेशन फ्यूल टैंक डाल रहा हुआ है मैंने, और एक ये व्हीकल डाला हुआ है, सीजन्स मैंने डाला हुआ है, तो मैं आपको सीजन्स के बारे में भी बताऊँगा। और नेक्स्ट हॉलमार्क टेरा वेरिएंट डीएलसी भी डाला हुआ है मैंने इसमें, और दो एक्स्ट्रा मैप मैंने हेब्दो और ग्रीनविच वैली के डाल रखे हैं। सो नेक्स्ट इसके अलावा हॉर्स एग्रोवेशन का ये पैक मैं इसमें अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, जस्ट होने वाला है इंस्टॉल जस्ट। तो अपना हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेस्ट मॉड्स कौन से हैं वो आपको दिख जाएंगे, नेक्स्ट मोस्ट डाउनलोडेड कौन से ज़्यादा मॉड्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, नेक्स्ट लेटेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्टली मैप भी मिल जाते हैं, नहीं तो आइदर यू कैन गो टू फार्मिंग सिमुलेटर, आप लिखिएगा नेट पे जाके फार्मिंग सिमुलेटर मैप्स करके, तो आपको फार्मिंग सिमुलेटर डॉट कॉम पे जाके आपको मिल जाएगा कि जो भी आपको मॉड्स चाहिए होगा वहाँ पे। एंड सॉरी सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा आपको यहाँ मॉड कॉन्टेस्ट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने, यहाँ ये एक्चुअली कॉन्टेस्ट होता होगा उनका, और उसमें जिसके मॉड्स अच्छे आते हैं तो वो लोग इसको पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट ये रिकमेंडेड मॉड्स हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ मॉड्स सेक्शन में आके आप अपने मॉड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आपको यहाँ पे भी मॉड्स मिल जाएंगे और बिसाइड दैट आपको बाहर पे भी मॉड्स मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। ओके ये कुछ बोल रहा है स्टार्ट करने के लिए, लेट मी स्टार्ट। तो हम करियर में जाएंगे तो हम लोग अपना करियर से स्टार्ट करेंगे, और न्यू गेम, और मैं इसमें फार्म मैनेजर चूज करूँगा। अगर जिसको नहीं पता है तो इसमें तीन तरीके का ये होता है, न्यू फार्मर मतलब आप कुछ ऑलरेडी आपके पास लैंड होगा, कुछ इक्विपमेंट आपके पास ऑलरेडी होगा, आपके दादा परदादा छोड़ के गए होंगे, फिर आपको उसको आगे बढ़ाना है। और फार्म मैनेजर में क्या है कि आप एकदम नए नए हो पर आपके पास अमाउंट ऑफ मनी बहुत सारा है आपके पास, और आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो, वो है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या है कि आपके पास मनी की कमी होगी, बहुत कम मनी होगा, और उससे फिर आपको अपनी मनी को बढ़ाना होगा। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच नहीं करेंगे, कभी और खेलेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, अभी हम फार्म मैनेजर से स्टार्ट करते हैं। और इसमें रेवन पोर्ट और फेल्स ब्रन जो है आपका, रेवन पोर्ट अमेरिकन मैप है और फेल्स ब्रन जो है आपका यूरोपियन मैप है, तो ये दोनों इनबिल्ड मैप आते हैं। नेक्स्ट ग्रीनविच वैली और हेब्डो,
जो ये दो मैप हैं ये आपके जो मैंने पे चलते हैं सीधा कंटिन्यू करते हैं। देन आफ्टर दैट आपको एक कैरेक्टर चूज करना पड़ता है, लाइक आप उसकी शक्ल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लड़की भी ले सकते हैं, लड़का भी ले सकते हैं। तो हम लोग लड़का चूज करते हैं। और नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बंदे का नाम होगा खालू। खालू ओके। और हेयर स्टाइल तो जरूरत ही नहीं है, टोपी पहन रखी भाई ने। और हम टोपी पहनाएंगे इसको, केस IH की टोपी पहनाएंगे, जैकेट भाई की, सनग्लासेस ऑलरेडी है। चलिए नेक्स्ट, ये सारे मॉड्स ऑलरेडी आप यहाँ से चेक एंड चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी गेम प्ले के लिए यूज़ करना चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सो ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको सीजन्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है? तो क्या है सीजन्स, क्या नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल गेम आता है वो बिना सीजन्स के आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको लोड हो जाने दीजिए। हाँ, तो जो नॉर्मली गेम गेम है उसमें कुछ टाइम फ्रेम रहता है कि आपकी फसल इतने घंटे में उग जाएगी, फिर आपको काटना होगा, इतने घंटे में ये करना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बट सीजन्स क्या, आपका दिन के हिसाब से, आपके इस मौसम के हिसाब से उसको बांट देता है। लाइक जैसा अभी ये बोल रहा है, ये सीजन्स के कारण ही हो रहा है। स्प्रिंग इज हियर, मतलब हमारा स्प्रिंग चालू हुआ है, फर्स्ट सीजन हमारा स्प्रिंग चालू हुआ है। फ्लावर्स एंड ट्री ब्लॉसम, इट्स टाइम टू कल्टिवेट एंड सो योर फील्ड। मतलब इस ये सीजन में हमें कल्टिवेशन का काम करना है, मतलब आपकी जो मतलब फील्ड जो होती है उसको खोदना है, एंड फिर उसमें उसको अच्छे से जिसको बोलते हैं ना जुताई करना है। देन आफ्टर दैट हमें उसमें अपने सीड्स डालना है। तो स्प्रिंग सीजन इसीलिए होता है। ठीक है, तो अभी यहीं पे हम कहीं खड़े हुए हैं भाई। तो अब एस्केप दबाएंगे तो आपको ये एक और स्क्रीन निकल के आएगा, ये ऊपर में मैप आ जाएगा। तो ये है आपका फेल्सब्रन का मैप, और इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं श्योरली, और हम यहाँ खड़े हुए हैं। तो आई थिंक सो इसमें 125 130 फील्ड्स हैं, 125 फील्ड्स हैं राइट, करेक्ट। तो और यहाँ पर ये साइड में आपको दिखा रखा है कि कहाँ पर वीट उगा हुआ है, कहाँ पर बाले है, कहाँ पर ऊट है, कहाँ पर कॉटन है, कहाँ पर कनोला है। तो ये सारे तरीके की इसमें मतलब आपको पोटैटो उगाने उगाने को मिल जाएंगे, मतलब जो भी आपके जितने भी तरीके के आपके आपके प्लांट्स होते हैं खेती करने के लिए, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग को सबसे पहले देख लेते हैं कि पैसे हमें कितने मिले हैं। तो आप राइट हैंड कॉर्नर में अपर में देख रहे होंगे कि मेरे को 12,50,000 डॉलर मिले हुए हैं। उसके बगल में आपको टाइम दिख रहा होगा, तो वो टाइम चलता रहता है, और उसके बगल में अर्ली स्प्रिंग लिखा है और 01 लिखा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग 3 महीने का है, फिर समर 3 महीने का है, और फिर क्या नाम है उसके बाद फिर बारिश 3 महीने की, फिर विंटर 3 महीने की है। तो इस तरीके से अगर आप 3 3 महीने खेलते जाओगे तो आपको 90 दिन खेलना पड़ेगा, चीज़ है हेडेक। तो इतना काम तो होता ही नहीं है इसमें। तो इसलिए इसमें क्या है, वो 3 महीने के ड्यूरेशन को ये लोग क्या करते हैं, 9 डेज में कन्वर्ट कर देते हैं। 9 भी कर सकते हो आप उसको। तो अगर आप लेफ्ट कंट्रोल लेफ्ट ऑल्ट और एस दबाएंगे तो इस सीजन्स खुल जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सीजन्स की लेंथ का पता चल जाएगा। तो आप इसको 21 दिन, 24 दिन, 24 दिन एट मैक्स लेके जा सकते हैं, बट 6 दिन इज मोर देन इनफ होता है। इसमें और भी आप सेटिंग सेट कर सकते हैं, लाइक आपको टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए, क्रॉप मॉइस्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, स्नो ट्रैक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, स्नो मूड ऑन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर ये क्रॉप रोटेशन प्लानर जो है आपका, ये क्रॉप मतलब आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से जा सकते हैं कि इस सीजन के बाद, इस सीजन में अगले साल मेरे को ये प्लान करना है। तो उसके लिए ये भी मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ये आपका यहाँ पर रेट तो मार्केट में क्या चल रहा है, किस सीजन में किसका रेट हाई जाता है, तो उसके हिसाब से आप अपनी खरीद और बेच कर सकते हैं। ये आपका एनिमल पैनल है, जब आप एनिमल्स को यहाँ पर, इसमें आप खेती के साथ साथ एनिमल्स को भी पाल सकते हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे पता करेंगे। और ये आपका कौन सा प्लांट जो है कौन से सीजन में कितना झेल जाता है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट, ये वेदर फॉरकास्ट भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट, आपको ये जो ग्रीन पैनल आपको दिख रहा है,
ये प्लांटिंग सीजन होता है, और ये जो येलो पैनल है ये हार्वेस्टिंग सीजन होता है। तो आपका ये देखिए चार सीजन है, स्प्रिंग है, उसके बाद समर है, उसके बाद फिर ऑटम है, उसके बाद फिर विंटर है। तो ये चार सीजन में अकॉर्डिंगली आपको अपना काम करना होगा, और ये टेम्परेचर भी लिखा हुआ है साथ साथ, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इनका लिखा हुआ है कि इन प्लांट्स का जो है उस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर के ऊपर ही ये मतलब आपके उग सकते हैं। तो दैट इज द थिंग। और ये हो गया आपका सीजन्स मेनू, और उसके बगल में आप देखेंगे टेम्परेचर अभी 2 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, ठीक है। उसके बगल में आपको बादल वादल दिखा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम वापस आ जाते हैं अपने यही वाले मैप वाले मोड पे। तो अगर आप यहाँ पर ये एक्स दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमने खरीद रखी हैं। तो हमने फिलहाल कुछ भी नहीं खरीद रखा, नथिंग एट ऑल, वी डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है, राइट ना। इसके बगल में जाएंगे तो आपको करंट प्राइजेस दिख जाएंगे इस पैनल में कि कहाँ पर ये वीट है, बार्ले है, ये सारे ऊपर आपको दिख जाएंगे। उनके बगल में आपको सेलिंग पॉइंट्स दिखेंगे यहाँ पर, ये आपका बार्न है, ग्रीनविच मिल है। तो यहाँ पर उनके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, तो आपके जिसके जो जहाँ पर ज़्यादा अच्छे रेट्स दे रहा है तो वो आप वहाँ जाके आप बेच के आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको व्हीकल ओवरव्यू है, यहाँ पर जब हम व्हीकल खरीदेंगे तो उसको कितना मेंटेनेंस चाहिए, कितने घंटे हमने चला लिया, तो वो सारा चीज़ इसमें रहेगा। नेक्स्ट ये हमारा फाइनेंसिस है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी हमें दिखा रखा है कि लोन जो है हमारा 2,50,000 का है, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू रिपे द लोन, बिकॉज मेरे को लोन के साथ नहीं चलना है, और सीजन्स में लोन बहुत ही ज़्यादा हेफ्टी होता है, इसलिए हम जो है लोन के साथ नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट हाँ ये आपका, हाँ ये मेन चीज़ है, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में आके कॉन्ट्रैक्ट्स करने होंगे, और तब आपको यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये स्टैटिस्टिक्स है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना हेक्टेयर फील्ड पे काम करा है, कितना कल्टिवेट किया है, कितने को हार्वेस्ट किया, वो सारा चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये गेम सेटिंग्स हैं, तो ये टाइम स्केल को कर देते हैं हम रियल टाइम। डिफिकल्टी आप इसमें भी ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे मैंने नॉर्मल कर रखी है। और भी इसमें आप हेल्पर की भी, हेल्पर क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो आपका ट्रैक्टर आपकी जगह चलाते हैं, तो उनकी सेटिंग्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जनरल सेटिंग्स है आपकी। नेक्स्ट ये कीबोर्ड की सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, और ये आपको हेल्प मिल जाएगा कि अगर किसी को फार्मिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो यहाँ से आप आगे पता कर लेंगे। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी, और हमको जाना है शॉप पे, जाना है। तो आपकी शॉप है यहाँ पे और हम हैं बहुत दूर। तो एक्चुअली बैली ग्रीन ये एक टाउन सा है, छोटा सा टाउन है, ठीक है। इसी के आसपास में ये फील्ड्स हैं, गांव या गांव कह लो, टाउन तो नहीं कहेंगे, छोटे से गांव ही कहेंगे। चलिए तो फिर डायरेक्टली हम शॉप पे विजिट करते हैं, क्योंकि हमें ट्रैक्टर वगैरह तो खरीदने पड़ेंगे ना भाई। तो ये है हमारी शॉप, यहाँ आप गए, आर प्रेस किया और आप शॉप में घुस गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिसाइड करना होगा कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए। तो इक्विपमेंट्स लेने से पहले पहले हम लैंड परचेज कर लेते हैं कुछ, ठीक है, जो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो लैंड हमें आई थिंक सो मैं ये लैंड परचेज करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका, मेरा ये इसमें पूरा आपका फार्मिंग प्लॉट भी आ जाएगा, मतलब जहाँ पर मैं अपना सारा सामान वगैरह रखूँगा, फार्म आ जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर मेरे फील्ड्स आ जाएंगे। तो इसको परचेज कर लेते हैं, 3,30,000 का है ये, ठीक है। स्पेस करते हैं और इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमको किस चीज़ में जाना है, पहले से अगर हम वीट वगैरह बोना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो हमें पहले से डिसाइड करना होगा, ताकि उस हिसाब का इक्विपमेंट हम लें। तो एक ट्रैक्टर तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो हम एक मीडियम साइज़ में एक ट्रैक्टर ले सकते हैं। तो हम चलते हैं ये वाले ट्रैक्टर में, तो काफ़ी सुंदर ट्रैक्टर लग रहा है, वाओ। हमारे यहाँ के ट्रैक्टर क्या होते हैं ना, ओपन होते हैं, ठीक है। वहाँ के ट्रैक्टर ओपन नहीं होते, उसमें एसी वेसी सब कुछ चला सकते हो, हीट एक्चुअली हीटर वगैरह ज़्यादा चलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, आप ओपन ट्रैक्टर के साथ उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी पावर आप देख सकते हैं 170 HP है, 445 लीटर्स ये कंटेन करता है, 40 KMPH की इसकी हाई स्पीड है। और आप ये भी यहाँ देख सकते हैं कि आप इसको किराए पे भी ले सकते हैं,
ठीक है, बट किराए पे लेने का कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको परचेज ही करते हैं, पैसे हमारे पास हैं। व्हील हम चेंज कर सकते हैं कि अगर हमको व्हील कौन से ब्रांड का लगाना है, ट्रेलरबॉक का या मिशलिन का, तो आई थिंक सो मैं मिशलिन के साथ जाना चाहूँगा। व्हील सेटअप की ये वाइड हों, छोटे हों, कैसे चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, क्या चाहिए, तो मेरे को लगता है वाइड टायर्स हमारे लिए बेटर रहेंगे। और इंजन के हम पावर भी बढ़ा सकते हैं, तो आई थिंक सो मैं एकदम हाई स्पेक वाला ही इंजन लूँगा। देखिए इंजन के चेंजमेंट के साथ कितना इसका चेंजमेंट आ जाता है, 261 HP, तो आई थिंक सो यही ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये हमने पहले अपना ट्रैक्टर परचेज कर लिया, अब ट्रैक्टर परचेज करने के साथ हम लोग को उसका लोडर भी परचेज करना पड़ता है, वेट आगे जो उसको हैंडल करते हैं, तो एक लोडर भी ले लेते हैं, ये 2300 kg का है, इसको ले लेते हैं, चलिए बाय कर लेते हैं। ये हो गया भाई हमारा, दो चीज़ें हमारे पास बाय होगी। अब यहाँ से आप इस पैनल को पी कर, ये कीबोर्ड में पी से भी खोल सकते हैं, और इसी के अंदर आप गैरेज में आपके गैरेज में क्या क्या चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास चार चीज़ें, फार्म हाउस है, फार्म साइलो है, और दो चीज़ें अभी हमने सामने कर दी। तो नेक्स्ट अभी हम लोग खेती के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो देखना होगा। तो नेक्स्ट हमें एक ट्रेलर तो चाहिए ही चाहिए होगा, तो एक ट्रेलर खरीदते हैं। तो बेस्ट ट्रेलर मेरे को लगता है ये है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और ये ट्रेलर बढ़िया है एकदम। कलर तो कुछ भी ले लेते हैं, लगभग मिशलिन डीजल, सही है, दिस इज द बेस्ट। चलिए इसको बाय कर लेते हैं, $27,000 का है, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम पैसे बचे हैं। अब एक हमें एक सीडर भी चाहिए होगा, तो मैं एक ऐसा सीडर लेने की कोशिश करूंगा जो कि मतलब दोनों काम कर जाए हमारे। तो इसमें बहुत टाइप के सीडर्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं इससे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इससे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट ये मेरे को लगता है हॉर्श का प्रोंटो 9 DC जो है बेटर है, क्योंकि इसकी लेंथ भी जो है बड़ी है, ठीक है, और इसमें सीड्स ज़्यादा आ सकते हैं। और हमें इसी हिसाब का ट्रैक्टर भी अपना, इसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब का ट्रैक्टर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है ये। ओ माय गॉड, तो आज हम इस एपिसोड में यही करेंगे कि अपनी जितनी भी चीज़ें हैं परचेज कर लेते हैं और उनको अपने फार्म पे लेके जाते हैं, और मैं आपको फार्म का टूर दे देता हूँ, बस इतना ही कोशिश करूँगा आज के लिए। इसको कर लेते हैं हम बाय, तो ये पहुँच गया हमारे पास। अब हमारे पास ऑलरेडी 390 बचा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट हमें फर्टिलाइजिंग टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी होगी, तो ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, और ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बट इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको इसमें फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइम के बारे में बताऊंगा कि आपका जब खेती होती है तो उससे पहले अगर लाइम डाल देते हो तो आपकी पीएच लेवल एकदम अच्छी हो जाती है, तो मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये भी दिखा देता हूँ आपको, बढ़िया लग रहा है। और अगर आप इसका एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो एक्सटेंशन भी हो जाएगा इसके साथ, आपका 4,000 लीटर्स के आसपास का इसका कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो अभी क्या करते हैं, एक्सटेंशन लें कि नहीं लें, पैसे की जरूरत नहीं है यार, वाइट टायर्स, चलिए एक्सटेंशन ले लेना चाहिए, टायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टायर्स बाद में मॉडिफाई करवा लेंगे। स्प्रेडिंग डिस्क, तो ये दो चीज ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट हमारा जो चीज आती है, आज के लिए इतना ही लेते हैं, हार्वेस्टर भी हमें लेना है, पर वो हम हार्वेस्टिंग सीजन में ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है, अभी लेके नहीं आते हैं, अभी सिर्फ इतनी ही चीजें लेके चलते हैं। और सीड्स कुछ परचेज कर लेते हैं, सीड बैग्स, आई थिंक सो सीड बैग्स आर हियर, कुछ सीड बैग्स हम परचेज कर लेते हैं, ये छोड़े सीड बैग छोड़े बाद में ले लेंगे। चलिए तो अभी अपने ट्रैक्टर के पास चलते हैं, ई दवा क्या आप इसमें देख सकते हैं, भयंकर आवाज है, और तेज अप तेज डाउन से आप जूम आउट कर सकते हैं, तेज डाउन
क्लिक करेंगे तो आप चुनाव कर देंगे। तो ये हमने अपना लोडर उठा लिया है, तो अपना एक चीज़ लेके चलते हैं। तो ये हमने अटैच कर लिया अपना ट्रेलर, अब लेके चलते हैं हम अपने इसको फार्म पे। तो आज का मेरा टारगेट यही है कि अपना फार्म को बस मैं इनिशियली सेटअप कर लूँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो बस यही है। और बस आप इस मैप को मजा लीजिए और क्या। पता नहीं है ट्रैक्टर की आवाज़ में मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी, रियली डोंट नो। तो होपफुली मेरी आवाज़ आ रही हो काफ़ी अच्छी। फिलहाल तो ट्रैक्टर को चलाना ही हर दिखा। और ये ग्रीनविच वैली जो है आपकी ये यूके मैप में है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ही चलना होगा जैसे हम अपनी कंट्री में चलते हैं। तो 43 KMPH की इसकी हाईएस्ट स्पीड है। पेट्रोल हमें फुल भरा हुआ मिला है, और ये आपको साइड पैनल में दिख सकता है आपको सब कुछ। साइड पैनल जहाँ आपका स्पीड दिख रही है, जैसे आप अगर उसके ऊपर देखेंगे तो वो तो रेव मीटर है आपका। नेक्स्ट अगर आप ग्रीन वाला जो पार्ट देखेंगे वो पता चलेगा कि हाँ भाई अभी ट्रैक्टर की हालत कैसी है, मतलब रिपेयरिंग मोड में जाना चाहेगा, मतलब रिपेयरिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब इसमें पता चलेगा। नेक्स्ट अब आपका उसके बगल में जो है वह पेट्रोल, ये आपका पेट्रोल पता चलता है। तो फार्म हमारा शॉप से बहुत दूर है, लाइक 6-7 किलोमीटर तो है ही। तो ये आपका मैप काफ़ी अच्छा है, वेरी गुड मैप। अगर आप किसी को यूके का एक्सपीरियंस लेना है कि हाँ भाई यूके में फार्मिंग कैसे होती है, तो उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकता है। बाकी हमारा फार्म पहुँचने वाले हैं हम अपने फार्म पर, बाकी 2 इक्विपमेंट भी मेरे को लेके आने होंगे। तो ये आ गया हमारा फार्म, मोडली गाड़ी। ओह दरवाजा लगवा, दरवाजा लगवा, उतरना पड़ेगा। चल भाई दरवाजा खुल जा, खुल गया। तो हम कहाँ खड़ा करेंगे, ये हमारे पास 2 गोडाउन टाइप दिए हुए, जिसे आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ हम अपना सामान खड़ा कर सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट खरीद के लेके आएंगे तो हम यहाँ रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हैं भाई, और लाइट्स वगैरह भी जलती हैं आई थिंक सर, लाइट्स कहाँ से चलती है देखना पड़ेगा। और ये जल गई ऊपर से लाइट, बंद कर देते हैं देना भाई। चलो तो अब हम इसको अंदर प्लेसमेंट कर देते हैं। चल तो इसको यहीं छोड़ते हैं, ऐसे इसका ऐसे प्लेसमेंट करना ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा जल्दी नहीं है। बाकी का इक्विपमेंट भी वहाँ पड़ा हुआ है, तो वो भी हमें ले के आना है।
शॉर्टकट नहीं है भाई इसमें। इसके अलावा हम लोग इसमें मतलब एक फॉलोमी मोड आता है, बट फॉलोमी मोड के लिए मेरे को एक और ट्रैक्टर चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली बात है दो तीन चक्कर तो लगाने ही पड़ जाएंगे शॉप को। तो भाई सब गाड़ी आ रही है सामने से, भी साइड साइड कर रहे थे भाई। तो भाई मैंने ट्रैक्टर से पिछाड़ दिया मसूरी से डाम के। फिर बहुत छोटे छोटे बीच में रास्ते जाते हैं अलग अलग फार्म्स के लिए, अलग अलग रास्ते जाते हैं। तो जब हम धीरे 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 और लैंड तक परचेज करेंगे धीरे धीरे, फिर हम उस हिसाब से अपने सीजन के डे भी बढ़ा देंगे और इसी तरीके से अपना काम करेंगे। और सीधी सी बात है और मैं अपने शेड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ, तो शेड्यूल ऐसा रहेगा कि हफ्ते में 3 दिन आई विल ट्राई टू डू फार्मिंग सिमुलेटर, रेस्ट ऑफ द डेज करंटली मैं ट्रेन सिम वर्ल्ड खेल रहा हूँ, तो ट्रेन सिम वर्ल्ड्स के भी गेम प्ले में डालता हूँ, तो यहीं से बोलना होगा भाई। चलो मेरे को तो ट्रेन सिम वर्ल्ड भी खेलता हूँ, तो जिसको अगर ट्रेन सिम ट्रेन सिमुलेटर्स पसंद है तो वो वॉच कर सकता है वो भी दूर जाते हैं। और इसके अलावा मेरा भाई जो है वो पबजी खेलता है, तो उसके गेम प्लेस भी मैं अपने ही चैनल पे डालता हूँ। नेक्स्ट वो अभी प्रेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके गेम प्लेस भी जरूर जल्दी आने वाले हैं। तो जो सुबह 10 बजे का टाइमिंग है वो मेरे पास है, लाइक उसमें मैं अपने गेम्स अपलोड करता हूँ, और जो शाम 5 बजे का टाइमिंग है उसमें मेरा भाई अपलोड करता है अपने गेम्स। तो इस तरीके से हमारी 2 वीडियो आती हैं एक दिन में। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दीज काइंड ऑफ गेम्स। मैं ज़्यादातर सिमुलेटर्स गेम्स ही खेलता हूँ, और वो फर्स्ट पर्सन शूटिंग एंड फुटबॉल इस तरीके के गेम्स खेलता है। तो जिसको भी पसंद आता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट। और नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं भाई, इतना देखा तो है ही नहीं किसी को। और ये ओह शॉप पहुँच गए, बड़ा तगड़ा खत्म हो रहा है। और यहाँ सीधा नहीं जाना है आपको, तो थोड़ा आगे निकल गया, मैं खुद आगे निकल गया। ये जो ये वाला कट है ना, यहाँ से आपको अंदर होना, ये शॉप का रास्ता है, बड़ा कंजस्टेड सा रास्ता होना रखता है इन्होंने, तो वो टक्कर मार गई। और नेक्स्ट अपना इसको लेके चलता है, सबसे लास्ट में सीटर को लेके चले जाएंगे। यार ये तो ट्रैक्टर के हिसाब से ही बड़ा है, तो इसमें आपको स्मॉल बिग ट्रैक्टर सब तरीके के मिल जाएंगे। हमें एक और ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिलहाल अभी इसी ट्रैक्टर से काम चलाना होगा ना। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप मतलब पेस्टिसाइड्स नहीं डालेंगे तो आपकी फसल में कुछ परसेंटेज कम हो जाएगी, जो उसकी यील्ड होगी जो आपकी वो देगी पर हेक्टेयर वो कम हो जाएगी। तो मतलब अगर आपका इतना टन गेहूँ निकलता है तो वो 20% कम हो जाएगा। तो अगर आप लाइन नहीं देते हैं तो उस केस में वहाँ भी आपकी यील्ड मतलब आपकी जो उपज है वो कम हो जाएगी। और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रियल लाइफ फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स इसमें एज पॉसिबल एज सारे के सारे डाले हैं डेवलपर्स ने, और इसलिए ये मेरे को बहुत पसंद है। बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपकी इरिगेशन सिस्टम जो है वो अगर आप चाहो तो एज ए मॉड डाल सकते हो, क्योंकि इनबिल्ड गेम में जो है वो इरिगेशन सिस्टम का कुछ दिया नहीं है उन्होंने। तो मेरे को लगता है कि वो पूरा मौसम के ऊपर छोड़ रखा है कि मौसम पर बारिश करेगी तो वो ऑलरेडी उसमें उपज हो जाएगी। तो वैसे अगर देखा जाए तो वो रियल लाइफ फार्मिंग होती है,
इसमें आपकी इरिगेशन भी करते हैं लोग, और इरिगेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इस तरीके से तो आपका रेगिस्तान में फिर खेती तगड़ी होगी, उधर इरिगेशन की जरूरत नहीं होगी। अब लास्ट इसका देखो और चक्कर लगाना पड़ेगा भाई, उसके बाद फिर मैं अपने फील्ड्स पे आपको लेकर चलूँगा और अपने फार्म पे घर वगैरह फिलहाल खाने कुछ करूँगा कैसे घर में। इसको कर देते फास्ट फॉरवर्ड कर देते, चलिए ये हमने पहुंचा दिया है सेकंड इक्विपमेंट। अब हम लास्ट इक्विपमेंट अपना लेने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए तो ले के आते हैं उसको। और हाँ, जहाँ तक मैं शेड्यूल की बात कर रहा था, तो मैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे फार्मिंग सिमुलेटर्स की वीडियो सुबह 10 बजे एग्जैक्टली डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ माई गॉड, टक्कर मारी है। अगर मान लो अगर इसमें डैमेजेस कर रखा हूँ पहले फस में, तो भाई मेरा तो नया ट्रैक्टर गया, अभी चला जाना था। और आप इसमें मतलब अगर कोई बड़ा इक्विपमेंट लेके आते हैं तो आप ट्रांस मतलब आपका जो कार चल रही है तो आप इनको बंद भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर, जिसमें आपका ट्रैफिक ऑफ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सीरियस कट मारा भाई कट के सामने से, रियल लाइफ में भैया ऐसे ड्राइविंग होती ना, इसमें ड्राइविंग करता। तो नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम हम लोग कट से थोड़ा आगे निकल गए थे, इस टाइम सही आया। और ये रहा हमारा लास्ट इक्विपमेंट, और भाई ये हमने पैक करके अटैच कर लेते हैं इसको। और वो लगता है इसमें प्रॉब्लम आने वाली है घर से बड़े इक्विपमेंट निकलने में, ये छोटी सी तो जगह है। तो ऑलरेडी हमने स्मॉल इक्विपमेंट से स्टार्ट नहीं किया, बिग इक्विपमेंट से स्टार्ट किया। हाँ या तो फिर आप जाके अगर आपको फुटबॉल्स के गेम पसंद है तो श्योरली मेरे भाई के गेम प्लेस देखिए टेस्ट के, वो भी जल्दी आना चालू हो जाएंगे। भाई ट्रैक्टर के बीच में ना तो सामने से गाड़ी आ रही है, रोक लेते हैं रोक लेते हैं। इसमें आप कैमरा भी चेंज कर सकते हैं सी दबा के, आप कैबिन व्यू भी ले सकते हैं। AI को और अच्छा करना चाहिए, हो सकता माइट भी नेक्स्ट गेम में AI को और अच्छा कर दे। तो मेरे को लगता है फर्स्ट एपिसोड के लिए इतना ही बहुत है, तो जस्ट इस इक्विपमेंट को अपने फार्म तक पहुंचा देते और नेक्स्ट एपिसोड हम लोग वहीं से चालू करेंगे। तो हम फार्म पे हमारे सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं और नेक्स्ट हमें और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक प्लेसेबल्स कुछ डालने पड़ेंगे, क्योंकि तो हमें सीड वीड खरीदने के लिए भाई इतनी दूर तो मैं जा नहीं सकता हूँ, जाने में हालत ख़राब हो जाती है। तो भाई ये हमने पहुंचा दिया है अपना लास्ट इक्विपमेंट भी वहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपसे सबसे मिलते हैं। आइए एक बार दिखा देता हूँ मेरा ट्रैक्टर,
एक नंबर, बढ़िया लग रहा भाई। चलिए Call me my body, call. Call me my body, call.